कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है, उसके बाद से हर कांग्रेस नेता का अभिनंदन हो रहा है। वहीं कर्मचारी लगातार शुक्रिया अदा करने से नहीं चूक रहे। इसी क्रम में आज झुंझुनू की चुनाव में करीब 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया का अभिनंदन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान इंदिरा डूडी का भी महिला कर्मचारियों ने चौनरी ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न केवल कर्मचारियों के वर्तमान कार्यकाल बल्कि रिटायरमेंट के बाद भविष्य को ध्यान में रखते हुए पुरानी पेंशन स्कीम लागू की है, वो पूरे देश में मिसाल बनी है। आने वाले चुनाव में कर्मचारी बिना कोई किंतु परंतु के कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर फिर से प्रदेश में गहलोत सरकार बनाएंगे। विधायक जेपी चंदेलिया ने बताया कि बार बार कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों और डिमांड को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उससे कर्मचारियों में भविष्य की चिंता को समाप्त कर दिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंदेलिया ने कहा कि पिलानी विधानसभा में कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का पानी पहुंचाने की प्रक्रिया चल रही है। लोन पास होने तक की प्रक्रिया हो गई है। जल्द से जल्द पिलानी विधानसभा को 60 लाख लीटर पानी प्रतिदिन पीने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि पिलानी विधानसभा में पानी के लिए काम नहीं हुआ है। असल में पानी की किल्लत ज्यादा है और भूजल कम, इसलिए वे केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की बयानबाजी और धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि सच ये है कि उन्होंने पानी के लिए जितना काम किया है और भविष्य को देखते हुए पानी के लिए जो प्लान किया है वो आने वाले समय में पानी की किल्लत को जड़ से मिटा देगा। कार्यक्रम में चिड़ावा प्रधान इंदिरा डूडी, पिलानी चेयरमैन हीरालाल नायक, विद्या विहार चेयरमैन प्रतिनिधि रोहिताश वरणवा, चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा, चिड़ावा बीसीएमओ डॉक्टर संत कुमार जांगिड़, चिड़ावा तहसीलदार गंभीर सिंह समेत अन्य मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पीटीआई जय सिंह धनखड़ का भी सम्मान किया गया। आज का ये आयोजन जो समस्त कर्मचारी संगठन है पिलानी विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, कार्यशील हैं, उनकी तरफ से आयोजित किया गया था और आम जनता भी थी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी थे। बहुत शानदार, बहुत गरिमामय तरीके से प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम था जो 1 जनवरी 2004 और उसके बाद लगे हुए जो कर्मचारी हैं जिनके लिए एनपीएस लागू थी उनके लिए ओपीएस इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रेस्टोर कर दी। पुरानी जो पेंशन योजना थी वो रेस्टोर कर दी, अदरवाइज तो वो रिटायर होते तो उनको कोई पेंशन नहीं मिलती। ठीक है, कोई मिनिमल अमाउंट जो होता है वो मिलता है और उनका जो जमा था पैसा 10% जो होता था वो उनके खाते में जमा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है, सारे कर्मचारी राजी हैं, सारे कर्मचारी संगठन राजी हैं, आम जनता राजी है। इस खुशी में ये कार्यक्रम किया था और मैं भी बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ कि इन कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किया। उनको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी ऐसे कर्मचारियों की तरफ से भी, ऐसे परिवारों की तरफ से भी जिनको ये ओल्ड पेंशन स्कीम प्रभावित करती है। कुछ भ्रांतियां है दिमाग में लोगों के, उनको ये भ्रांति है कि पिलाने के पानी को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे, जबकि उनको पता लगना चाहिए कि वो टेंडर हो रहे हैं, टेक्निकल अप्रूवल हो गई है, फाइनेंशियल अप्रूवल हो गई है, लोन का जो पार्ट है वो पूरा हो गया है और टेंडर होकर के काम चालू होने वाला है। पानी आएगा, खूब आएगा, 60 लाख लीटर प्रतिदिन का पिलाने के लिए व्यवस्था की जा रही है।